बेटी कहूँ या कहूँ लाडो, हाँ बेटी कहूँ या लाडो, जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा तब तक शायद ये रहूंगा। इस खत को पढ़ने के बाद रोना नहीं आएगा, क्योंकि इस खत में वही लिख रहा हूँ जो मैं आज तक तुझे सिखाता आया हूँ। तुम एक जवान की बेटी हो, किसी को खोने का डर नहीं, उसका गर्व होना चाहिए। हाँ तुम एक जवान की बेटी हो, किसी को खोने का गम नहीं, गर्व होना चाहिए। मेरे जाने के बाद जब कोई तुम्हें पूछे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो एक बार गर्व आंखों से उन्हें कह देना, हाँ पापा मेरे सो रहे धरती माँ के आंचल। शायद मैं तुम्हें बड़ा होते ना देख पाऊँ, तुम्हें सही गलत का फैसला ना दिखा पाऊँ। हाँ तुम गलत राह पर चलोगी तो मैं तुम्हें सुधार ना पाऊँ, तुम्हारे कम नंबर आने पर डांट या फटकार ना लगा पाऊँ। माफ करना बेटी, मैं तुम्हें बड़ा होती नहीं देख पाऊंगा, तुझे कामयाब होती नहीं देख पाऊंगा, तेरी शादी में ना रहूंगा, तेरा कन्यादान ना कर पाऊंगा, पर वादा करता हूं उस कन्यादान में मेरी छोटा सा योगदान जरूर होगा। तेरे विदाई के टाइम में तेरे आंसू नहीं पहुंचूंगा, बादल बन के खुद बहुत जोरों से रोऊंगा। मैं तुम्हें विदा होती नहीं देख पाऊंगा, माफ करना बेटी। हाँ मुझे पता है मैं अपने पोता पोती को दुख भरी या मेरी कुछ कहानियां नहीं कह पाऊंगा, हाँ फौजियों वाली कहानी नहीं सुना पाऊंगा। मेरी प्रिंसेस, मेरे जाने के बाद मम्मी का ख्याल रखना, क्योंकि मम्मी का सहारा तुम्हें ही बनना है। हाँ मम्मी का सहारा तुम्हें ही बनना है, ना कोई तुम्हारा भाई है, तुम्हें भाई बन के दिखाना होगा। हाँ मैं जा रहा हूँ बेटी, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा कन्यादान नहीं कर पाऊंगा। अफसोस इसी बात का है, आज एक बाप फिर अपनी बेटी से जुदा हो रहा है। हाँ बाप अपनी बेटी से जुदा हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करता हूँ।